नमस्कार, स्वागत है आपका पंचायती टाइम्स में। मैं हूं अभिषेक दुबे। और साम दाम दंड भेद किस तरीके से सरकार बनानी है, कैसे बीजेपी इन चारों तरीकों को अपनाकर मेघालय में सरकार बना ली, मेघालय में सरकार बनने की स्थिति में है और अब मुख्यमंत्री का जो दावेदार है उसका नाम भी तय हो गया है। आपको बता दूं कि जो राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद, उन्होंने कोनराड संगमा जो वहाँ के नेता हैं, पीए संगमा के बेटे हैं, पूर्व लोकसभा स्पीकर थे, उनके बेटे को बुलाया है कि आप आइए, एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर आप आकर सरकार बनाइए। आखिरकार में क्या हुआ एक रात में कि जिस पार्टी को कांग्रेस, वो पार्टी है जिसको 21 सीट मिलती है, 31, 60 विधानसभा के राज्य में 21 सीट पाती है कांग्रेस, सिर्फ 10 सीट पीछे होती है। इसके अलावा और भी पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती थी, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन कांग्रेस पिछड़ गई। और बीजेपी जो कि सिर्फ 2 सीट पाती है मेघालय में, दूर दूर तक कोई सोच नहीं सकता था कि क्या बीजेपी सरकार बना लेगी, उसकी सरकार बन रही है। आखिरकार में कैसे हुआ, तो इसमें मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूँ। इसमें जो वहाँ की सबसे मजबूत पार्टी थी मेघालय की, वो नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, उसने 19 सीटों पर कब्जा किया था, 19 सीट उन्होंने जीता था। उसके अलावा बीजेपी सिर्फ 2। उसके बाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, इसने 6, HSPDP 2, PDF 4 और एक निर्दलीय साथ आने से इस गठबंधन के पास अब 34 विधायक हो गए। मतलब जहां पर 2 विधायक थे वहां पर 34 हो गए, मतलब 31, बहुमत से 3 ज़्यादा। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा हो कैसे सकता है? तो कुल मिलाकर अगर हम आंकड़े देखें तो जो 34 है और इसके अलावा जो गठबंधन है इस सरकार के साथ, इनके साथ एक डील हुआ कि भाई आपको हम हर गठबंधन का जो सदस्य है उसको मंत्री बनाएंगे, उनके गठबंधन में से कोई ना कोई मंत्री जरूर होगा, 2 में से एक व्यक्ति मंत्री होगा, जिसमें से कि बीजेपी अगर 2 सीट पर काबिज है तो उसमें से एक जो उनका विधायक होगा वो मंत्री होगा। पहला डील ये हो गया। उसके बाद मुख्यमंत्री जो पीए संगमा के पुत्र हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, तो उनके मुख्यमंत्री बनने से वो 19 सीट बीजेपी के खाते में चली जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये होती है कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में इसकी सरकार है, इससे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आप ये देखें कि बीजेपी ने गोवा में भी तख्ता पलट किया था, गोवा में भी कांग्रेस सरकार बनाने के पोजीशन में थी। कांग्रेस में जो इस समय हालात चल रहे हैं वहाँ पर जो इलेक्शन मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्लो है, शायद ये सोचकर कांग्रेस धीरे हो गई होगी कि अब तो हमारे पास 21 सीट है, 10 सीट तो कहीं से मैनेज कर लेंगे। और इन 10 सीट को कहीं से मैनेज करने वाली जो मानसिकता होगी ये स्लो हो गई। और बीजेपी क्योंकि 2 होगी, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी की जो रणनीति है, इनकी रणनीति ये कहती है कि भाई 2 सीट है हमारे पास, लेकिन कहीं से कुछ भी करके अगर कोई गठबंधन टूटता है कांग्रेस से, तोड़ के जोड़ के किसी भी तरीके से उनको साथ लेके आइए, चाहे जो देना पड़े, जो करना पड़े, उनके साथ जो समझौता करना पड़े, जो पार्टी के हित में है वो किया जाए। तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल चाणक्य की नीति दिखाई दे रही है कि किस तरीके से बीजेपी ने मेघालय, नागालैंड में तो कब्जा कर ही लिया, त्रिपुरा में कब्जा कर ही लिया, अब मेघालय छूट रहा था। बीजेपी चाहती तो कह देती कि भाई 3 में से 2 राज्य तो जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी एक राज्य उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि नहीं, मेघालय में भी हमको ये जीत हासिल करनी है। 2 में से उन्होंने किसी भी तरीके से एनपीपी को और बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको एक साथ मिला के उनको जो चाहिए, मंत्री परिषद में किसको मंत्री बनाना है, नहीं बनाना है, ये भी तय हो गया। हर पार्टी में से कोई ना कोई मंत्री होगा, ये सारे समझौते कर बीजेपी सबको साथ लेके आई और 34 सीटों के साथ अब मेघालय में भी बीजेपी सरकार बना रही है। कुल मिला के ये देखिए कि तीनों के तीनों चुनाव बीजेपी जीत चुकी है। कांग्रेस 21 सीटों के साथ भी सरकार बनाने में का सक्सेस नहीं हो पाई, कांग्रेस बैकफुट पे चली गई है। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए अपनी स्ट्रेटजी तय करनी चाहिए। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी के पास एक्सलेंट माइंड है, बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत एक्टिव हैं। इन 3 चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं में
देश के लोगों में एक पॉजिटिव साइन गया है कि जहां पर सरकार कभी नहीं थी, जहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत थी, वहां पर जब हम सरकार बना सकते हैं तो देश में कहीं पर भी बना सकते हैं। ऐसे हालात में कांग्रेस के लिए अब लड़ाई लोकसभा की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी मेंटेन करना पड़ेगा, अपने साथ ब्रिलियंट माइंड लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके कांग्रेस कहीं बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव में टिक पाएगी, वरना हालात कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहे हैं 2019 में।